नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में बालू खरीदने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध। जाली रजिस्ट्री पर नकेल कसने की तैयारी, बदला दाखिल खारिज का नियम। देश भर में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लागू। लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से कल शादी के बंधन में बंधेंगी सोनाक्षी सिन्हा। MS धोनी की कप्तानी पर गौतम गंभीर ने दिया बड़ा बयान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में बालू खरीदने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध। अब बिहार में बालू की खरीदारी आसानी से ऑनलाइन माध्यम से हो सकेगी। इसके लिए राज्य में सरकार अगले महीने से ऑनलाइन बालू खरीदने की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। यह कार्य बिहार माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। वहीं ऑनलाइन खरीदा गया बालू अगर गुणवत्तापूर्ण न हो तो इस स्थिति में इसे वापस भी किया जा सकता है। वहीं आने वाले दिनों में बालू के बाद ईंट और गिट्टी को भी ऑनलाइन की सुविधा में शामिल किया जाएगा। वहीं मामले में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य आसानी से लोगों को उचित मूल्य पर बालू उपलब्ध कराना है। वहीं बालू की अवैध निकासी, ढुलाई और बिक्री पर रोक लगाने के मकसद से उप मुख्यमंत्री द्वारा विभाग में नए बने कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया। नीट पेपर लीक मामले में रांची से पिता पुत्र गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले के तार अब झारखंड तक पहुंच गए हैं। नीट पेपर लीक मामले की जांच में जुटी पटना पुलिस ने शुक्रवार को रांची के कांके रोड के ब्लॉक चौक पे छापेमारी कर वहां के रहने वाले एक बाप बेटे को परीक्षा में सेटिंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पिता अवधेश पर आरोप है कि नीट एग्जाम में अपने बेटे को पास करवाने के लिए उन्होंने एक शख्स को पैसे दिए थे। हालांकि परिजनों द्वारा इसे गलत आरोप बताया जा रहा है। उनका कहना है कि मामले में उन्हें फंसाया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। द्वितीय सक्षमता परीक्षा स्थगित। शिक्षकों की मांग पर बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। 26 से 28 जून के बीच होने वाली द्वितीय सक्षमता परीक्षा को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपरिहार्य कारणों से फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 28 और 29 जून को हेडमास्टर भर्ती की परीक्षा होने वाली है। वही बताया जा रहा है कि शिक्षक सक्षमता परीक्षा और हेडमास्टर भर्ती परीक्षा की तारीख टकराने की वजह से ही शिक्षक संगठनों द्वारा द्वितीय सक्षमता परीक्षा को स्थगित करने की मांग BSAB से की जा रही थी। वहीं अब द्वितीय सक्षमता परीक्षा की नई तारीख जल्द ही जारी कर दी जाएगी। लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से कल शादी के बंधन में बंधेंगी सोनाक्षी सिन्हा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से कल यानी 23 जून को शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। वहीं आज दोनों की सगाई है। इस बीच बीते दिनों हुए कपल की हल्दी और मेहंदी सेरेमनी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसे जहीर की बहन और सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट सनम रत्नासी के दोस्त जफर अली मुंशी ने शेयर किया था। बताते चले कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की वेडिंग काफी अलग होने वाली है। जानकारी के अनुसार सोनाक्षी और जहीर की रजिस्टर्ड मैरिज जहीर के घर पर होगी। वहीं इसके बाद उसी दिन मुंबई में दोनों का रिसेप्शन बांद्रा में लोकेटेड शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट बैस्टियन में हो सकता है। जाली रजिस्ट्री पर नकेल कसने की तैयारी, बदला दाखिल खारिज का नियम। फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगाने और भूमि से जुड़ी विवादों पर अंकुश लगाने को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक अहम निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत बिहार में 20 वर्षों से अधिक पुरानी रजिस्ट्री हुई जमीन का दाखिल खारिज अथवा जमाबंदी बिना ADM की जाँच के नहीं हो पाएगी। राज्य में जाली दस्तावेज से फर्जी रजिस्ट्री के खेल पर नकेल कसने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। नीतीश सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल द्वारा यह जानकारी दी गई। बिहार से कई राज्यों के लिए PP मॉडल पर होगा बसों का परिचालन। बिहार से दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के प्रमुख शहरों के लिए बसें चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी तैयारियों में परिवहन विभाग जुटा हुआ है। फिलहाल इन राज्यों के लिए PP मॉडल से बसों के परिचालन का निर्णय नीतीश सरकार द्वारा लिया गया। इसके लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम सक्षम एजेंसियों एवं लोगों से बसों के परिचालन का प्रस्ताव मांगेगा। रुपौली विधानसभा से उपचुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों ने कराया नामांकन। बिहार के रुपौली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि तक कुल 13 लोगों ने नामांकन दर्ज कराया है। नामांकन के अंतिम दिन कुल 7 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं कुल मिलाकर अब रुपौली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 13 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। निर्वाची पदाधिकारी सह DCLR विनय कुमार के अनुसार रुपौली विधानसभा के लिए कुल 15 NR कटाए गए थे, जिसमें 2 ने नामांकन नहीं कराया।
ऑल इंडिया पुलिस स्पेशल शूटिंग कंपटीशन में बिहार ने दिखाया दमखम। चेन्नई में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस स्पेशल शूटिंग कंपटीशन में बिहार पुलिस की दो महिला प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक ने शानदार परफॉर्मेंस से बिहार का मान सम्मान बढ़ाया है। प्रतियोगिता में तीसरे और चौथे स्थान पर रही दोनों पुलिस उपाधीक्षक प्रतियोगिता में तीसरे और चौथे स्थान पर रही। बिहार पुलिस की महिला प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक संगीता कुमारी 54 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही, जबकि 53 अंकों के साथ पल्लवी कुमारी ने चौथा स्थान प्राप्त किया। पुलिस महानिदेशक ने बेहतर प्रदर्शन के लिए दोनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी, ध्वस्त हुआ एक और पुल। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। अररिया के बाद अब सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड में गंडक नहर के बीचों बीच बना पुल अचानक ध्वस्त हो गया। इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं पुल के टूटने की वजह से दर्जनों गाँव का संपर्क टूट गया है। बताया जा रहा है कि सिवान में पुल टूटने की वजह मिट्टी का कटाव था। बता दें कि इससे पहले बिहार के अररिया में बना नव निर्मित बकरा पुल ध्वस्त हो गया था। इस मामले में कई इंजीनियरों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। लुभावने वादों से साइबर ठगी के शिकार होने से बचे। साइबर ठगों का कहर इन दिनों बढ़ता जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश और घर बैठे कमाई का झांसा देकर दो लोगों से 33 लाख रुपए की ठगी कर ली गई, तो वहीं बेटी को कब्जे, भाई की गिरफ्तारी समेत कई अलग अलग बहानों से कुल 9 लोगों को 42 लाख का चूना लगा दिया गया है। वहीं अब इसे लेकर शुक्रवार को DSP टाउन अशोक कुमार ने फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों से जुड़े और साइबर अपराध से बचने के लिए लोगों को जागरूक होने को कहा। इसके साथ ही अपराध होने पर इसकी शिकायत तुरंत पुलिस में करने की सलाह दी। उन्होंने लोगों से डायल 112 की मदद लेने की भी अपील की। 600 बेड की टेंट सिटी के साथ सुल्तानगंज में लगेगी शिव जी की भव्य मूर्ति। बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा श्रावणी मेले की तैयारी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसके लिए निदेशालय सभागार में तैयारियों की समीक्षा की और तैयारियों को समय से पूरा करने का निर्देश दिए। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं के आवासन के लिए 600 बेड की टेंट सिटी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। नीतीश मिश्रा के अनुसार सुल्तानगंज में ही शिव जी का एक भव्य मूर्ति स्थापित किया जाएगा, जहाँ पर भक्ति संगीत का निरंतर प्रसारण होता रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने सभी जगहों पर सुविधाओं के लिए सूचना पट और उन पर हेल्पलाइन नंबर लगाने के भी निर्देश दिए हैं। गया में 18,000 हरा भरा पेड़ काटने पर पटना हाईकोर्ट ने लगाया रोक। गया जिले के खिजरसराय प्रखंड स्थित देवगांव में बालू खनन को लेकर बालू खनन कंपनियों द्वारा प्रशासन से 18,000 हरे भरे पेड़ काटने की अनुमति मांगी गई थी। वहीं अब इस पर पटना हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया है। रोशन कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ ने बालू खनन कंपनियों को नोटिस जारी किया है। आवेदकों की ओर से कोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2020-21 में जल जीवन हरियाली योजना के तहत 18,000 पेड़ लगाया गया था, जो अब 6 फीट से भी अधिक बड़ा हो गया है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटने से जलवायु परिवर्तन में मदद मिलेगी। वहीं कोर्ट ने फिलहाल पेड़ काटने पर रोक लगा दिया है और बालू खनन कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। तेजस्वी यादव ने RJD विधायकों को दिया 2 माह में क्षेत्र में काम करने का अल्टीमेटम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में अपनी पार्टी के विधायकों से अपने क्षेत्र में उपलब्धि दिखाने को कहा है, नहीं तो उनका टिकट कट जाएगा। विधायकों को 2 महीने में अपने अपने क्षेत्र में काम करने को कहा गया है, इसके लिए कोई भी शिकायत नहीं सुना जाएगा। वहीं RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी सभी विधायकों और RJD के नेताओं को वो कार्यकर्ताओं से तेजस्वी की बातों को गंभीरता से लेने को कहा है। शुक्रवार को लोकसभा चुनाव को लेकर दल की उपलब्धियों की समीक्षा बैठक के दौरान तेजस्वी यादव द्वारा बैठक को संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे 15 अगस्त के बाद जिलों की यात्रा पर निकलेंगे। देश भर में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लागू। देश भर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर विवाद जारी है। वहीं इसी बीच प्रतियोगी परीक्षाओं में चोरी और अनियमितताओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सख्त कानून लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 को मंजूरी दिए जाने के लगभग 4 महीने बाद शुक्रवार रात को कार्मिक मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई कि इस कानून के प्राविधान 21 जून से ही लागू कर दिए जाएंगे। बता दें कि इस कानून के अंतर्गत दोषियों को अधिकतम 10 वर्ष की कारावास और 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
एमएस धोनी की कप्तानी पर गौतम गंभीर ने दिया बड़ा बयान। भारतीय टीम के हेड कोच की रेस में आगे चल रहे गौतम गंभीर ने कोलकाता में एक इवेंट के दौरान एमएस धोनी की कप्तानी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एमएस धोनी की तारीफों के पुल बांधते हुए उनकी कप्तानी की तारीफ की। गौतम गंभीर ने कहा कि उन्होंने एमएस धोनी की कप्तानी में सबसे लंबे समय तक खेला और अपने खेल का आनंद भी लिया। उन्होंने आगे एमएस धोनी की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे एमएस धोनी के साथ खेलने और जिस तरह से उन्होंने टीम की कप्तानी की उसका खूब आनंद लिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सागर कमल, राजकिशोर महतो, सादुल्लाह पालवी, उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद रिजवान, राकेश मिश्रा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, कुनर शर्मा, मोहम्मद साकिर हुसैन, नरेश ठाकुर, हलेश्वर कुमार, चंद्रशेखर यादव, विट्टू कुमार, नुन्नू गोपाल कुमार, नौसाद रजा, रवि कुमार राम, रंजीत कुमार, सुरेश प्रसाद, विनोद मिश्रा, संजय कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आज होने वाले इंडिया वर्सेज बांग्लादेश के मुकाबले में भारत के किस खिलाड़ी का प्रदर्शन बेहतर होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।